Everyone, कैसे हैं आप सब आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ओर बढ़ते हैं क्या कहती है, exercise? Exercise completely based है subtract के form के के ऊपर। जो मैंने आपको बताए थे, उन्हीं पे है। देखिए क्या कहते हैं। इन सभी को हमें क्या करना है माइनस करना, करना है तो इनको वन सिलेक्टेड क्वेश्चन है छह क्वेश्चन सात आठ क्वेश्चन बाकी आप ट्राई कीजिएगा ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है थर्टीन फ्रोम प्लस के सिक्स दोनों प्लस के हैं फ्रोम का मतलब होता है से ठीक है अब आप देखिएगा कि तेरह माइनस करना है किस में से माइनस करना है बच्चों सिक्स में से माइनस करना तो आप इसको कैसे लिखोगे पहले लिखने का तरीका देखिएगा सिक्स माइनस प्लस के थर्टीन सबसे पहले हमें सिक्स में से थर्टीन माइनस करना है सो so, हम इसको ऐसे लिखेंगे सो so, इनको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस मैंने बताया था माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस थर्टीन अब आप इनको क्या करो जिनके आगे कोई साइन नहीं होता उनको क्या मतलब होता है प्लस होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है आंसर कैसे आएगा माइनस करके आएगा थर्टीन में से मैं सिक्स को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा सेवन और साइन किसका आएगा जो बड़ा है बड़ा कौन है इसके अंदर थर्टीन बड़ा है थर्टीन का साइन क्या है माइनस ये तो था फॉर्मूले की हेल्प से हमारा आंसर निकलना हमारा आंसर आ गया माइनस के सेवन ठीक है अब हम नंबर लाइन के हेल्प से करते हैं सबसे पहले जब भी हम नंबर लाइन को हम यूज करते हैं तो जीरो से शुरू होते हैं सेंटर से शुरू होते हैं ठीक है क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें सिक्स की ओर जाना है क्योंकि हमें सिक्स में से तेरह माइनस करने हैं सबसे पहले हम सिक्स की ओर बढ़ते हैं यहां पहुंच गए ठीक है अब हमें क्या माइनस करना है तेरा माइनस करना है तो तेरा स्टेप हमें क्या माइनस करने होते हैं हमें क्या करना है लेफ्ट की ओर बढ़ना होता है यह हमारा क्या है लेफ्ट पोर्शन है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं लेफ्ट की ओर इस राइट साइड क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ठीक है तो हमें तेरा स्टेप लेफ्ट की ओर बढ़ना है वन मेरे साथ काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन पे पहुंचने के बाद मेरा आंसर आ गया माइनस के साथ यहाँ भी माइनस के साथ आंसर आ रहा है और यहाँ भी माइनस के साथ आंसर है मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि प्लस के नाइन है और फ्रॉम माइनस के टू माइनस के टू में से हमें क्या करना है नाइन माइनस करना है तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए माइनस के टू प्लस के माइनस करना है ना हमें माइनस और क्या करना है प्लस के नाइन माइनस करना है तो इन किसी भी एक डिजिट के दो साइन नहीं होते मैंने आपको बताया था तो माइनस के टू माइनस प्लस क्या होता है माइनस नाइन ठीक है अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है प्लस करने पर मेरा आंसर क्या आएगा नाइन और टू कितना होता है इलेवन साइन किसका आएगा जो बड़ा है बड़ा कौन है नाइन बड़ा है माइनस के इलेवन ये हो गया हमारा आंसर फॉर्मूले की हेल्प से ठीक है जो रूल मैंने आपको बताया था अब यहां देखते हैं नंबर लाइन के थ्रू से हमें क्या करना है माइनस के दो में से नाइन माइनस करना है सो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा माइनस के दो माइनस के दो पे पहुंच गए अब क्या करना है नाइन माइनस करना है माइनस करना है तो प्लस माइनस क्या होती है माइनस होती है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है तो माइनस नौ कदम हम लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमें माइनस करना है तो हमेशा लेफ्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा बच्चों में ठीक है तो नाइन कदम बढ़ो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आंसर हो गया हमारा माइनस के इलेवन ठीक है तो नाइन कदम हम लेफ्ट की ओर इसलिए बढ़े क्योंकि हमें क्या करना है माइनस करना है माइनस इसलिए करना है क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ठीक है हमेशा लेफ्ट की ओर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं पता है ना इस बात का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माइनस के फोर्टीन है फ्रॉम पॉजिटिव ट्वेंटी करना है कहता है प्लस के बीस में से हमें माइनस के चौदह माइनस करने हैं तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए बच्चों अगर लिखने का तरीका आपको आ गया तो समझो आपको क्वेश्चन सारे कंप्लीट आ चुके हैं ठीक है थीके? प्लस के बीस है माइनस करना है सीधी सी बात है जो चीज करनी है पहले हमें उसको बीच में लिखना है फ्रॉम माइनस ठीक है क्या करना है माइनस के चौदह करना है ठीक है इन दोनों को सॉल्व करो किसी भी एक डिजिट के दो साइन नहीं होते मैं बार बार बता रही हूं आपको माइनस माइनस गुना के अंदर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के रूल में मैंने आपको बताया था प्लस हो जाता है ये फोर्टीन ठीक है अब इनकी प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा थर्टी फोर साइन किसका आएगा जो बड़ा है बड़ा कौन है ट्वेंटी बड़ा है प्लस का आ गया ठीक है ठीके? अब इनको नंबर लाइन से की हेल्प से करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है जीरो से लेके हमें कहाँ जाना है ट्वेंटी पे जाना है और उसके बाद मैंने क्या लिखा है प्लस के चौदह करना है हमें चौदह स्टेप हमें आगे बढ़ेंगे मैं इतना लंबा नहीं लिख पाई थी ठीक है करने पर हमारे पास क्या आ जाएंगे ऐसे ऐसे थर्टी फोर पे हम पहुंच जाएंगे और थर्टी फोर ही हमारा क्या है आंसर है साथ साथ मैं आपको वेरिफिकेशन भी करना बता रही हूँ बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए ये ये देखिएगा माइनस के सेवन है और फ्रॉम माइनस के ट्वेंटी वन कहता है कि माइनस के इक्कीस में से हमें क्या माइनस करना है माइनस के साथ माइनस करना है लिखने का तरीका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आने की बहुत चांस रहते हैं बच्चों ठीक है माइनस के इक्कीस क्या करना है हमें माइनस करना है किसको करना है ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स को जो मैं बोल रही हूँ और साथ में देखते जाओ ठीक है इनको सॉल्व करो माइनस के इक्कीस माइनस माइनस प्लस ठीक है अब माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है माइनस करने पर मेरे पास क्या आएगा आप साथ में मेरे ऐसे करके देख सकते हो करने पर क्या आएगा फोर्टीन फोर्टीन आ चुका है साइन किसका आएगा बच्चों जो बड़ा है बड़ा कौन है माइनस के इक्कीस तो इक, माइनस के साइन आ जाएगा ठीक है अब यहां पे देखिएगा सबसे पहले मुझे कहां लेके जाना है जीरो से लेके माइनस के इक्कीस तक जाना है ये ये नहीं है बच्चों नीचे वाला है जीरो से लेके मुझे कहाँ जाना है माइनस के इक्कीस पे जाना है यहां जाना है तो मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगी अब आप ये मुझसे पूछना चाहिए आपको कि आपको कैसे पता चल रहा है कि पहले कहां लेके जाना जो चीज हमारे राइट हैंड साइड लिखी हुई है ये चीजें इनको सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है ऐसे लंबा और कितने स्टेप हमें बैक में चलने हैं मतलब कि पीछे चलने हैं आगे चलने हैं वो इससे पता चलेगा अगर माइनस करना है तो हमें इस तरफ चलना है अगर प्लस करना है तो हमें इस तरफ चलना है अब इस स्टेटमेंट को देखिएगा माइनस के इक्कीस हमने चल पड़े इधर लेफ्ट की ओर चले पड़े अब क्या कहते हैं प्लस करना है हमें कितना सात करना है प्लस करना है तो हमें कहाँ जाना है राइट की ओर जाना है कितने कदम सात कदम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हमारा आंसर हो गया माइनस के फोर्टीन ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा प्लस के एक सौ बारह है फ्रॉम दो हजार एक सौ चार मतलब कि टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर में से हमें क्या माइनस करना है एक सौ बारह माइनस करना है सबसे पहले आप लिखने का तरीका देखिएगा क्या करना है माइनस करना है किसको करना है प्लस के एक बारह को करना है प्लस माइनस माइनस अगर किसी को ये करने नहीं आ रहे है, प्लस माइनस 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 तो आप पहले मेरी मल्टीप्लीकेशन की और एडिशन ऑफ इंटीज की वीडियो जरूर देखें क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं निकालने आएंगे थी, बच्चों ठीक है तो ये क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस कितना होता है इनको सोल्व करने के बाद आपके नाइन नाइन टू आएगा ठीक है आप ऐसे सोल्व करना ठीक है मेरे साथ आपको ये सोल्व करना है नाइन नाइन टू आ जाएगा आपके पास और साइन किसका आएगा बच्चों जो बड़ा है बड़ा कौन है हमारे पास ये है बड़े का साइन ही आ गया अब इसको नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं सबसे पहले जीरो पे जाना है जीरो पे जाके दो हजार एक सौ चार पे दो हजार एक सौ चार यहां है यहाँ पर ठीक है अभी कहते हैं कि माइनस करना है एक सौ बारह एक सौ बारह को जब मैं माइनस कर दूंगी एक सौ बारह कदम हमें पीछे जाने होंगे कितने एक सौ बारह कदम तो आंसर पे हमारा यहाँ आ जाएगा आप ऐसे कदम कर चलते जाओगे जो डिजिट इतनी लंबी है आप उसको पूरा नहीं लिखोगे ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ठीक है आपको दिखाई भी दे रहा होगा तो आंसर हमारा ये आ जाएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा प्लस के तेईस है और प्लस के सात है कहते हैं कि माइन प्लस के साथ में से हमें माइनस करना है प्लस के तेईस को तो प्लस माइनस ट्वेंटी थ्री एंड देन उसके बाद क्या इसको माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सोलह ठीक है सोलह आने के बाद हम क्या करेंगे इसको नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं साइन किसका आएगा जो बड़ा है बड़ा कौन है

इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एक मिनट बच्चों गलती हो गई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो हमारा आंसर आ गया है के 16. ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने लिए थे जो जिसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली थी अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि इवेलुएट दुएट होता है सॉल्व करना है इन सभी को ये वही रूल लगेंगे जो मैंने आपको समझाए थे तो यहां पे इवेलुएट करना देखते हैं कैसे करते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का फॉर्मूला बोर्ड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट ओ का मतलब होता है ऑफ डी का मतलब होता है डिवाइड M का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए का मतलब होता है प्लस और एफ का मतलब होता है माइनस ठीक है तो मतलब ये सीरीज होती है बच्चों इस सीरीज के अंदर हमें सॉल्व करना सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी होती है फिर ऑफ का मतलब होता है जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं हम तभी मल्टीप्लाई को भी सोल्व कर लेते हैं फिर देन आफ्टर डिवाइड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई फिर उसके बाद प्लस फिर उसके बाद माइनस ठीक है यहां देखिए क्या कहते हैं माइनस के थ्री हंड्रेड एटी नाइन ओपन कर लिया हमने माइनस टू वन सिक्स अभी देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है सो इनको हम ऐसे करेंगे आपको समझाने के लिए क्योंकि आप बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हो प्लस करेंगे प्लस करने के बाद आप मुझे साथ काउंट कीजिएगा नाइन और सिक्स जीरो आ गया है पर ये बताइए कि साइन किस चीज का आएगा साइन किस चीज का आएगा साइन उसका आएगा बच्चों जो बड़ा होगा बड़ा कौन है थ्री एट नाइन माइनस के थ्री सिक्स जीरो फाइव आ आंसर ठीक है नेक्स्ट देखिएगा माइनस के वन टू सिक्स ठीक है अब यहाँ पे देखिए एक डिजिट है फोर नाइन टू है एक डिजिट है उसके दो साइन है ऐसा पॉसिबल नहीं है ना ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है और ये यह यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यही रूल अगेन माइनस माइनस प्लस तो इसको प्लस करते हैं सबसे पहले सिक्स टू एट नाइन इलेवन एंड सिक्स सिक्स वन एट बट साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा बड़ा ये है हमारा तो माइनस के सिक्स वन एट ओके अब यहां देखिएगा मेरे साथ साथ कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस अभी हो जाएगी आपकी ठीक है माइनस के माइनस एक डिजिट है माइनस माइनस प्लस फोर टू फाइव इनको क्या करेंगे माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होते हैं। माइनस करने पर अब सबसे पहले आपको पता है माइनस कैसे करते हैं सब ऊपर क्या होती है बड़ी डिजिट होती है नीचे छोटी डिजिट होती है माइनस करने के बाद हमारे पास वन फाइव वन आ जाएगा और साइन किसका आएगा जो बड़ा है बड़ा कौन है इसके अंदर माइनस के फाइव सेवन सिक्स बड़ा है माइनस के अब यहां देखिएगा थ्री एट जीरो अब इसको सोल्व करेंगे किसी भी एक डिजिट का दो दो साइन नहीं होते प्लस के वन टू जीरो प्लस के सिक्स फाइव ठीक है अब टू टू का पेयर बनाएंगे हम प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस होते हैं जो सिंगल बस जाता है उसे एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे विद साइन साइन के साथ ठीक है थ्री एट जीरो और वन टू जीरो को हम ऐड करें ऐड इसलिए करके दिखा रही हूँ बच्चों कि आप ये ना कहो कि ये ऐसे कहाँ से आ गया एकदम से कहाँ से आ गया ठीक है सो तो आपको इजी रहेगा आसान बिल्कुल इजी मेथड है देखिएगा फाइव हंड्रेड यहां पे आ गया प्लस करने पर आ गया फिर टू का पैर बन गया टू का पेयर बनने के बाद यहां पे फाइव सिक्स फाइव आंसर आ गया और साइन किसका आएगा जो बड़ा है हमारा बड़ा कौन है फाइव हंड्रेड ये हो गया ठीक है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन मिस्टेक स्टेटमेंट चेंज होगी थी ठीक है अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है बच्चों सब्ट्रैक्ट द नंबर विच इज सक्सेसर ऑफ माइनस के ट्वेंटी सेवन ये कहता है कि सब करना है किसको इसको और इसको अब ध्यान से देखते हैं कैसे करना है सक्सेसर बोल रखा ट्वेंटी सेवन का हमें क्या करना है सक्सेसर करना है और फ्रो फ्रोम होता है से एंड इज ऑफ माइनस थर्टी नाइन ये कहते है कि अब यहां देखो सक्सेसर है थर्टी सेवन सक्सेसर में कन्वर्ट करना है बच्चों सक्सेसर का मतलब क्या होता है जिसके अंदर हम वन प्लस करते हैं जब हम इसके अंदर वन प्लस करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है थर्टी ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा साइन किसका आएगा जो बड़ा है माइनस के छब्बीस आ गया प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है जिसके अंदर हम एक माइनस करते हैं ये एक नंबर के अंदर आता है बच्चों सक्सेसर कैसे निकालते हैं प्रोड्यूसर्स कैसे निकालते हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा मुझसे ठीक है इसमें माइनस करना है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है फोर्टी आ गया साइन किसका आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा थर्टी नाइन है ठीक है अभी कहते हैं कि क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है सक्सेसर सक्सेसर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स ठीक है सक्सेसर में से प्रोड्यूसर्स माइनस करने सक्सेसर देखिए कैसे कहा लिखा हुआ है थर्टी सिक्स है वो भी माइनस के फ्रॉम माइनस के फोर्टीन ये आंसर आ गया अब हम हमने स्टार्टिंग में क्या था फ्रॉम का मतलब होता है माइनस किसको करना है माइनस के चालीस में से हमें माइनस करना है माइनस के छब्बीस तो के चालीस ऐसे लिखेंगे हमें क्या करना है माइनस करना है किसको करना है माइनस के छब्बीस को करना है सो so, इसको सोल्व कीजिएगा माइनस के फोर्टी साइन चेंज होएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है और एक डिजिट का हमेशा एक ही साइन होता है माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी सिक्स और इसको करने के बाद अब यहां देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है माइनस करने पर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास फोर्टीन आ जाएगा क्योंकि फोर्टी में से ट्वेंटी सिक्स जाएगा तो फोर्टी आ जाएगा साइन किसका आएगा जो बड़ा होगा माइनस के बड़ा है ये फोर्टी ये क्वेश्चन आगे होंगे समझ में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे और वही मेरे लिए अच्छी बात है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा क्योंकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे इन अच्छे तरीके से समझा रही हूँ मैं इन समों को आप साथ साथ करते रहिएगा